हेलो डॉक्टर्स, मैं हूं डॉक्टर ट्विंकल बारोट। आज हम देखेंगे हाउ टू यूज माइलोशाइन प्रोफेशनल टीथ व्हाइटनिंग स्ट्रिप्स एंड द गेट नोटिसेबल व्हाइटर टीथ इन जस्ट 3 इजी स्टेप्स। टीथ व्हाइटनिंग स्ट्रिप्स को अप्लाई करने से पहले एक बार पेशेंट को स्केलिंग कर दे, उसके बाद ही टीथ व्हाइटनिंग स्ट्रिप अप्लाई करे। इससे काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। टीथ व्हाइटनिंग स्ट्रिप्स को बेकिंग लाइनर से निकालना है और दांतों पे लगाना है। स्माइलोशाइन टीथ व्हाइटनिंग स्ट्रिप्स फ्लेक्सिबल होता है। याद रहे, स्ट्रिप्स लगाने से पहले ड्राई कॉटन लेके दांतों को ड्राई करेंगे। स्ट्रिप्स का जेल साइड को दांतों पे लगेगा। इसे दांतों पे अच्छे से लगाना है। स्ट्रिप्स का बाकी का हिस्सा उस दांतों के पीछे की तरफ मोड़ के अच्छे से लगा देना है। और ये अगर जिंजाइवल पे टच करता है तो कोई इरिटेशन या सेंसिटिविटी नहीं होती है। अब हम नीचे के दांतों पे भी स्ट्रिप्स लगाएंगे। स्ट्रिप्स लगाने से पहले ड्राई कॉटन लेके दांतों को ट्राई करेंगे। और अगर मुंह में सलाइवा है तो एक बार सक्शन लेके सलाइवा को दूर करेंगे। स्ट्रिप्स एकदम अच्छे से लगाना है। दांतों के बीच में जो जगह है उस पे थोड़ा सा दबा के यानी कि प्रेशर देके फिक्स करना है। और जो भी स्ट्रिप्स का बचा हुआ भाग है उसे दांतों के पीछे ठीक से मोड़ देना है। ये स्ट्रिप्स को आपको 30 मिनट तक रखनी है और उसके बाद उसे निकाल देना है। इसके बाद नॉर्मल तरीके से ब्रश करना है और आप इसका रिजल्ट खुद ही देख सकते हैं। स्माइलोशाइन प्रोफेशनल टीथ व्हाइटनिंग स्ट्रिप्स।